नमस्कार, मैं दिव्यांजलि मोइत्रा। ईरान को अमेरिका से पंगा महंगा पड़ा। हालत ऐसी हो गई है कि जल्द ही उसका खजाना खाली हो सकता। ईरान की करेंसी की वैल्यू में भारी भरकम गिरावट आ गई। अब एक डॉलर के मुकाबले ईरान को 2,15,000 रियाल चुकानी पड़ रही थी। अब भारत के लोग ऐसा समझ सकते हैं कि 1,000 ईरानी रियाल के बदले 1.77 रुपए बनते हैं। 30 जून से 1 जुलाई के बीच भारतीय रुपए की तुलना में ईरानी करेंसी के वैल्यू में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन ये फिर से घट चुकी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सेंट्रल बैंक को लाखों डॉलर बाजार में डालना पड़ा ताकि ईरानी करेंसी को थोड़ी स्थिरता दी जा सके। इसे ईरान को चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा पर हो रहे असर को कम करने में थोड़ी मदद मिलेगी। लेकिन अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद खतरा यह है कि ईरान बहुत दिनों तक अपनी करेंसी को संभाल नहीं पाएगा। 2015 में ईरान ने अमेरिका समेत 6 देशों के साथ एक न्यूक्लियर डील साइन की थी, लेकिन 2018 में ट्रंप सरकार ने ये डील रद्द कर दी। 2020 के शुरुआत से ही ईरान और अमेरिका की तल्खी और बढ़ी। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगा दिए, जिससे ईरान की करेंसी 70% तक गिर गई। ईरान की सरकार ने आयातकों के लिए यानी दूसरे देशों से सामान खरीदने पर करेंसी एक्सचेंज की कीमत तय करने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई। अभी ओपन मार्केट में सेंट्रल बैंक के दखल के बाद भी रियाल की गिरावट जारी। अगर यही हालात ज्यादा दिनों तक रहे तो ईरान में खाने पीने के सामानों की कीमतें आसमान छू सकती हैं। हालात विकराल हो जाएंगे। ज्यादा दिनों तक यही हालत रहने पर ईरान पर दिवालिया होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। वहां की आबादी को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पिछले हफ्ते ही इसराइल ने ईरान के 2 परमाणु ठिकानों को भी तबाह किया, इसलिए ईरान पर चौतरफा दबाव बढ़ता जा रहा है।